क्या तुम्हें पता है कि डेथ नोट का मेन विलेन कभी लाइट आगामी था ही नहीं? क्या होता अगर रियुक ने अपने डेथ नोट को नहीं गिराता? तो हेलो गाइस, डिप्लो हियर। तो आज हम बात करेंगे डेथ नोट के कुछ हिडन डिटेल्स के बारे में, कुछ ऐसा मिस्टेक जो तुमने एनिमी देखते हुए मिस कर दिया होगा, और ऐसा ऐसा रेफरेंसेस एंड फोरशैडो इसमें यूज हुआ है जिनको जानने के बाद तुम्हें पता चलेगा भाई डेथ नोट इज ए मास्टरपीस। मिस्टेक्स। मिस्टेक नंबर वन, तो पहला एपिसोड में जब डेथ नोट पहली बार आसमान से नीचे गिरता है तो सीन को ध्यान से देखना कि डेथ नोट उल्टी गिरती है, पर जब लाइट उसे उठाने के लिए उसके जाती है तब वो सीधा पड़ी रहती है। पर ये कोई मिस्टेक है या नहीं वो हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। मिस्टेक नंबर टू, तो तुम्हें पता होगा कि एल वही अपना रेगुलर कपड़ों में होता है, पर एपिसोड 10 में जब लाइट और एल टेनिस खेल रहा होता है पहले तो एल का टी शर्ट फुल देखने के लिए मिलता है, पर कुछ टाइम बाद पता नहीं कैसे वही फुल टी शर्ट हाफ टी शर्ट में बदल जाती है। हिडन डिटेल्स। सबको यही लगता है कि डेथ नोट का मेन विलेन लाइट आगामी था क्योंकि वो डेथ नोट के पावर से क्राफ्ट हो गया था, लेकिन उसको डेथ नोट दिया किसने था? रियुक ने। पूरे स्टोरी को स्टार्ट करता है रियुक ने और खत्म भी। लाइट, एल, नियर, मेलो ये सारे एक गेम का पार्ट होता है जो रियुक का बनाया हुआ गेम में सिर्फ खेल रहा था और वो पीछे बैठकर इस खेल का मजा ले रहा था। स्टोरी के एंड तक एल और लाइट दोनों मर जाता है, पर इससे रियुक को कुछ फर्क पड़ता है? नहीं। डेथ इरेजर। तुम्हें पता है कि अगर एक बार डेथ नोट में किसी का भी नाम लिख दिया जाए तो फिर उसे भगवान भी बसा नहीं सकता है, लेकिन तुम ये नहीं पता होगा कि उसे डेथ इरेजर बसा सकती है। तो डेथ नोट के मांगा में रियुक के पास डेथ नोट के साथ एक डेथ इरेजर भी था जिससे कि डेथ नोट से किसी का भी नाम को इरेज करने के बाद वो दोबारा जिंदा हो सकता है अगर उसका बॉडी सही सलामत हो तो। रिकार्नेशन ऑफ लाइट आगामी। डेथ नोट के मूवी रिलाइट विजन ऑफ ए गॉड में एक नया शिनिगामी को दिखाया जाती है जो रियुक को ढूंढ रहा होता है, और फैंस के हिसाब से शिनिगामी लाइट आगामी होता है क्योंकि मारने के बाद लाइट ना तो हेवन में गया ना ही हेल में, तो चांसेस है कि वो शिनिगामी बन जाता है। उसकी आवाज, उसकी कोट, इवन उसके सर पर जो टाई बंधा होता है वो बिल्कुल लाइट की तरह था। इवन उसे ये भी पता था कि रियुक को एप्पल्स बहुत पसंद है और जिस तरह से वो रियुक को एप्पल पिक कर देता था ऐसा सिर्फ लाइट ही करता था। फोरशैडो एंड रेफरेंसेस। रियुक जब लाइट को डेथ नोट के बारे में बता रहा होता है तब हमें पता चलता है कि जो भी डेथ नोट यूज करेगा ना तो हेल में जाएगा ना ही वो हेवन में जाएगा, और लाइट का डेथ होती है स्टेयर के बीच में, ना तो ऊपर ना तो नीचे। जो ये फोरशैडो कर रहा था लाइट ना तो हेवन में गया ना ही हेल में गया है। लाइट्स रिग्रेट। डेथ नोट का एंडिंग सीन में जब लाइट का डेथ होने वाला होता है तो उससे पहले उसे बहुत सारे इल्यूजन दिखता है, जैसे कि जब वो ऑरा उसे निकल के भाग रहा होता है तो उस टाइम पे उसे स्कूल जाते हुए लाइट दिखता है। इसका मतलब उसे अपना आखिरी वक्त पर रिग्रेट हो रहा था कि जितना भी कांड अभी तक किया है, और उसके बाद उसे पुराना एल भी दिखता है क्योंकि उसे एल का डेथ का भी पछतावा था। क्या डेथ नोट सिर्फ लाइट को मिला था? डेथ नोट का पहले एपिसोड में जब डेथ नोट पहली बार नीचे गिरता है तो उल्टी गिरती है, पर जब लाइट उसे उठाती है तो सीधा हो जाती है। क्या ये सिर्फ एक सिंपल सी मिस्टेक है या फिर कोई ऐसा बंदा था जो लाइट से पहले डेथ नोट को उठाया था पर उसे ये कोई मजाक लगा, या फिर सिंपल सी नोटबुक समझकर उसे वही पर रखकर चला गया होगा? ये डेथ नोट है, इसमें कुछ भी हो सकता है। वेट, अगर वो बंदे ने डेथ नोट के कुछ पेजेस फाड़ के ले गया होता तो क्या होता वो मुझे तुम कमेंट में बताना, और वीडियो कैसी लगी वो भी बताना, और अगर तुम इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो 15 लाइक कंप्लीट कर देना। तब तक के लिए बाय।